बॉलीवुड के बादशाह कहलाए जाने वाले शाहरुख का जन्मदिन है और उन्हें फैंस सुबह से ही बधाइयां दे रहे हैं। अब शाहरुख बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं जिनकी दीवानगी सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी देखी जाती है। ये इंडस्ट्री के उन चुनिंदा सितारों में से एक हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने बलबूते इतना बड़ा स्टारडम हासिल किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे की भी वजह है और इस वीडियो में आज हम शाहरुख के इतने बड़े सफल हीरो बनने की शुरुआत के बारे में बताने वाले हैं और जिसके पीछे सबसे बड़ा क्रेडिट देवल परिवार को जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल्स फौजी और सर्कस से की। टीवी से बॉलीवुड जाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक हिट फिल्मों में काम किया। लेकिन यहाँ शाहरुख के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्हें टीवी से बॉलीवुड में आने का मौका देने वाली हेमा मालिनी हैं। बताते चलें कि फौजी और सर्कस सीरियल्स को देखने के बाद हेमा मालिनी ने शाहरुख को एक दिन कॉल कर फिल्म के लिए ऑफर दिया था, लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाए थे। उस दौरान हेमा मालिनी की कजिन का फोन आया और कहा कि वो आपसे बात करना चाहती हैं। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी बातचीत की। हालांकि कुछ दिनों बाद फिल्म को लेकर काम आगे बढ़ा और वो हेमा मालिनी से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां धर्मेंद्र से भी उनकी मुलाकात हुई। हेमा ने शाहरुख को धर्मेंद्र से मिलवाया और कहा, यह है मेरी नई फिल्म का हीरो, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत बढ़िया, इसे ले लो। तब जाकर उन्हें यकीन हुआ था कि ये सब सच है। हेमा उस समय शाहरुख को फिल्म दिल आशना है के लिए कास्ट किया था। उनके डायरेक्शन में बनी फिल्म दिल आशना है 1992 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसी साल दिल आशना से पहले शाहरुख की फिल्म दीवाना रिलीज हुई थी और दीवाना शाहरुख की डेब्यू मानी जाती है। अब दीवाना जो शाहरुख के करियर की हिट मानी जाती है, ये फिल्म भी देवल परिवार की बदौलत ही मिली थी और इसके पीछे भी एक किस्सा है। IMDB की एक रिपोर्ट की माने तो दीवाना फिल्म के लिए सबसे पहले पसंद सनी देओल थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था क्योंकि उस दौरान सनी देओल अपनी बड़ी फिल्मों को लेकर बिजी थे। लेकिन इस फिल्म को मना करने के बाद फिल्म के दूसरे अभिनेता अरमान कोहली फाइनल किए गए। हालांकि निर्माता शबनम कपूर के साथ एक बड़ी लड़ाई के परिणाम स्वरूप उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। अरमान ने शबनम के साथ 2 पिक्चर डील साइन की थी, एक फिल्म थी दीवाना, दूसरी थी इंसाफ की देवी। अब अरमान कोहली के पिता राज कोहली ने इस बात पर जोर दिया कि शबनम ने अरमान को दोनों फिल्मों में बनाए रखा, वरना वह दोनों फिल्मों से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद बताया जाता है कि शबनम ने अरमान को दोनों फिल्मों से हटाने का फैसला किया। अब ऐसे में दूसरी जो पसंद अरमान कोहली थे, वो भी इस फिल्म से आउट हो गए थे। फिर मेकर्स को जब समझ नहीं आ रहा था, तब धर्मेंद्र ने अपने चचेरे भाई गुड्डू धनोवा, जो इस फिल्म के निर्माताओं में से एक थे, उनको शाहरुख के नाम के बारे में सुझाया। फिर क्या था, शाहरुख इस फिल्म के लिए फाइनल हुए तो उनकी किस्मत ही बदल गई। उन्होंने इस फिल्म के हिट होने के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90s के दौर में उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी जिनकी खुमारी आज भी बरकरार है। आज भले ही बहुत ही कम फिल्मों में शाहरुख नजर आते हैं, लेकिन फिर भी वो देश के सबसे अमीर सेलिब्रिटियों में से एक माने जाते हैं और उनका यह रुतबा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि अगर देवल परिवार शुरू शुरू में शाहरुख की मदद नहीं करता तो शायद वो इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाते। वेल दोस्तों, आपको इस बारे में क्या राय देनी है, और शाहरुख के जन्मदिन के मौके पर अगर आपको भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप उन्हें दे सकते हैं।